वालेकुम नुसरत, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं आपके साथ आपकी आरजे महवेश, और हमारे साथ मौजूद हैं दर्शन रावल। पूरे 1 साल के बाद हमारे साथ हैं, और आप लोगों की बेशुमार फरमाइशों के बाद आज ये मुमकिन हो सका है कि दर्शन हमारे साथ हैं। मेरे पास चूंकि इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सीधे से वेलकम कहते हैं दर्शन रावल को। दर्शन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे हर बार बहुत मजा आता है आपके साथ एक इंटरव्यू में, एंड आज फिर से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, और सो इस बार लेट्स डू थोड़ा सा इट। इंतजार लंबा हो गया। मेरे पास इतने कोई मैसेजेस आ रहे थे, एम्बेरसमेंट भी हो रही थी, गिल्टी भी फील कर रही थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा चलता भी है, मसरूफियत इतनी ज्यादा है आपकी, तो बहुत सारे मैसेजेस हर दफा की तरह। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। ढोल बजा माशाल्लाह 18 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं अब तक, और ये चले जा रही है सक्सेस स्टोरी, और यूं बिल्कुल चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। जी, ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड रहता हूँ। चले, तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आया है ढोल बाजा से रिलेटेड, कि ढोल बजा के लिए आउटफिट आपका किसने चूज किया था? हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं डैनिश और हैरी, उनके साथ डिस्कशन हो रही थी। तो एक जो आउटफिट है, दो आउटफिट पहने मैंने। एक है पिंक वाला जैकेट। तो ये पिंक वाला जैकेट की कहानी ऐसी है कि जब मैं बाहरीन परफॉर्म करने के लिए गया था, तो तब मैंने ये ब्रांड का जैकेट देखा था ओके, और मैंने लिया नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर मैंने सोचा अभी कहाँ पहनेंगे। तो अभी जब इस बार शूट कर रहे थे, तो आदिल भाई जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि कुछ पिंक कलर का पहनते हैं। तो मैंने कहा यार, आई हैव अ जैकेट मेरे दिमाग में है, वो अगर मैं आप लोगों को, तो उस कंपनी का जैकेट मैंने उनको गूगल पर दिखाया। मैंने बोला ये, बोले सबको बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कोशिश की मुंबई में उसको ढूंढने की, वो नहीं थे और वो जैकेट नहीं था। फिर हमने कोलकाता में दो, सिर्फ लास्ट टू पीसेस पड़े हुए थे, तो हमने शूट के लिए वो दो पीस मतलब ऑर्डर किए, और तुरंत शूट के एक दिन पहले वो जैकेट आया। और दो साइजेस में हमने मंगवाया था, एक मीडियम था एक लार्ज था, एंड फाइनली मैंने जो पहना था वो मीडियम मुझे हुआ था। तो वो एक जैकेट है। और दूसरा जो जैकेट है, जो फुल नवरात्रि वाला है, उसमें हमें थोड़ा सा कुछ अलग करना था, कि थोड़ा वेस्टर्न भी हो और एंड येट उसमें नवरात्रि की फील भी आए। तो वो जैकेट, ये दोनों स्टाइलिस्ट ने 30 आवर्स मेहनत किया था पूरे जैकेट के ऊपर। तो अच्छा, हाँ, कुछ 12-12 घंटे वो लोग काम करते रहते थे, एंड फाइनली, और वो लोग बहुत नर्वस रहते हैं जब मुझे जैकेट लेकर आते हैं, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कपड़े के। मुझे खुद बहुत अच्छे लगते हैं जैकेट्स और एवरीथिंग, तो उनका बहुत रिएक्ट, बहुत नर्वस होते हैं। बट ये जैकेट जब लेकर आए, मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने कहा ग्रेट, एंड या सो ये दो दो कपड़ों की, दो जैकेट की कहानी है, जो डैनिश और हैरी को पूरा क्रेडिट जाता है कि बहुत मेहनत की, एंड एक कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आ गए, और दूसरा बहुत मेहनत करके बनाया। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये सवाल किया था डॉक्टर प्रिया, ईशा दियार, फरहीन शेख, तस्नीम, दर्शन आइकॉन, अक्सा खान, समृद्धि, अननोन फैन गर्ल, खुशी भंडारी, प्रोमी, दर्श विभू, कृतिकी, तन्वी, चंचल और पियो ने। ये सबने मिलके इन सब ने मिलके किया था। मतलब तो बहुत सारे किया था। मैसेज आए हुए थे आपके लिए, क्वेश्चंस आए हुए थे, उसमें से सिलेक्ट कर करके मैंने सबके फिर जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो निकाले, और उसमें फिर नाम इन लोगों के हैं। अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने अभी भी बहुत सारे नाम है, नाम मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपसे सवाल पूछ लेती हूँ कि इन्होंने ये पूछा है कि शेयर कीजिए अपनी बैक स्टोरी ढोल बजा की, कब से ये प्रोसेस शुरू हुआ, कितना टाइम लगा इस सॉन्ग को बनने में, ये किस तरह ख्याल आया था इस गाने को बनाने का? सब गाने की मेलोडीज बहुत पहले, हमेशा थोड़ी थोड़ी पहले रेडी हो जाती है, बट उस पे काम करना, जो वर्क प्रोसेस है, वो हम लास्ट में ही करते हैं, क्योंकि उसका साउंड पुराना ना हो जाए और कुछ। सो एवरीथिंग, म्यूजिक का प्रोसेस लास्ट मंथ ही चालू था सब कुछ। एंड गाना करना था नवरात्रि का, ये तो 2 साल से फिक्स था कि हम जब भी नवरात्रि होने वाली होगी, तब एक नवरात्रि के लिए स्पेशल गाना सारे फैंस के लिए हम करेंगे। तो बट 2 साल से कोविड के वजह से नवरात्रि हुई नहीं, और इस बार बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में, तो ये साल तो बनता ही था। एंड सारा काम हमने आई थिंक लास्ट कुछ दिनों में ही कंप्लीट किया है, सारा लाइव एंड डबिंग। कोशिश भी करते हैं कि फाइनल डबिंग भी बहुत लास्ट मोमेंट ही हो, पहले पहले गा के ना रखे। तो सब कुछ, एवरीथिंग वाज लास्ट मोमेंट, बट हम हमेशा अचीव कर लेते हैं, डेडलाइन अचीव कर लेते हैं गाना ग्रेट। करने।
तो फाइनल फाइनल रिकॉर्डिंग्स और रिहर्सल्स और सब कुछ एक साथ चल रहा था। तो जब जब टाइमिंग्स आ रहे थे कि इतने बजे ये है इतने बजे वो है, तो ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे कर पाएंगे। बट आई थिंक इट्स द लव एंड सपोर्ट, सबका वो रहता है एक मोटिवेशन फैंस के लिए, तो हम हमेशा भी चाहे कितनी मुश्किल हो कितना भी डिफिकल्ट हो हम अचीव कर लेते हैं। सही। तो इसका कोई इंस्पिरेशन मतलब कोई नवरात्रि इससे पहले कोई ऐसी गुजरी है जिससे लेकर आपके जहन में ये आइडिया आया, ये कॉन्सेप्ट आया जो वीडियो का है या फिर इसके लिरिक्स? नहीं, ये जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि कॉलेज के अंदर नवरात्रि एंड देन एक्चुअल नवरात्रि, ये आदिल भाई का था। बट दिस इज रियल, ऐसा ही होता है कि कॉलेज के अंदर एक्साइटमेंट रहती है, सब खुद के कॉलेजेस में गुजरात में रेडी करते हैं डे टाइम में एंड देन शाम को एंजॉय करते हैं। या सो नवरात्रि के टाइम कॉलेज के अंदर माहौल भी बहुत अलग रहता है, और एग्जाम्स या खत्म हुई होती है या आने वाली होती है, तो उस दौरान आपको सब कुछ मैनेज करना है। हमारे कॉलेज में भी यही था, स्कूल में भी यही था, तो काफी मैं खुद रिलेट करता हूँ वीडियो की कहानी से, सही, ये और नए नए कहानी लोगों भी से नए लोगों से मिलने का एक्साइटमेंट रहता है जिनको हम नहीं जानते या दूर से देखा होता है। सो यार गुड। अच्छा ये क्वेश्चन था दर्शन म्यूजिक वाला, साबिया अख्तर, भूमिका शिवानी, गंगुन दत्त और आई एम लवनिया, दर्शन इटर्निटी, कीजी, दर्शन मेमोरीज और विरूति पटेल, सारा इन सब ने मिलके क्वेश्चन किया था। अच्छा जैकेट स्लीव्स आपकी इस दफा पड़ी, जो जैकेट जो फेमस हुई हुई है ना वो वाली जिसपे आपने DR लिखवाया, तो वो बहुत जी, फेमस हुई हुई है, और उसका ये पूछा है कि आपने मतलब ये कैसे कर लेते हो भाई, हर दफा हमारा इतना दिल खुश कि आप इतना मतलब सोचते हैं, इतने क्रिएटिव वे में सोचते हैं, ये किसका आइडिया था, आप ही का था? सो ये जो जैकेट पे नाम है वो पहले बीच में इधर था। सो मैं मेरे फैंस के लिए सोचता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं सोचता हूँ। वो जो हमारे स्टाइलिस्ट थे उनका प्यार है कि वो मेरे लिए ऐसे पूरा यहाँ बीच में लिख कर आए थे। मैंने बोला इतना भी सेल्फ कॉन्शियस वो नहीं हूं मैं, इतना ज्यादा भी मत करो। अगर मेरा नाम आपको कहीं ऐड करना है तो कहीं स्लीव्स पे जो उतना दिखे नहीं वैसे करो। तो फिर उन्होंने स्लीव्स पर DR लिख दिया, तो वो भी अब जानते हैं कि नहीं आपके आपके फैंस को अच्छा लगेगा अगर आपका नाम कहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे जब मेरे फैंस का कुछ आता है तो वो अच्छा लगता है। जैसे इफ यू सी इन द म्यूजिक वीडियो बहुत सारे ब्लू फ्लैग्स हैं, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम हर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इफ वी कैन ऐड समथिंग विद ब्लू फैमिली। और अब धीरे धीरे हर कोई जानने भी लगा है, चाहे कोई म्यूजिक लेबल हो या कोई डायरेक्टर हो, उनको भी ये पता है कि मेरे जो फैंस हैं वो खुद को ब्लू फैमिली बुलाते हैं, एंड उनको भी अच्छा लगता है टू ऐड। इट्स जस्ट आर वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू देम एंड शेयरिंग आवर लव। तो मेरे को उस चीज का बहुत एक्साइटमेंट रहता है। बट ये जो नाम वाला है वो आइडिया हमारे स्टाइलिस्ट का था, और जो पहला ड्राफ्ट उन्होंने जैकेट का जो बनाया था उसमें पूरा बीच में दर्शन लिखा हुआ था, तो वो हमने हटवा दिया। इतना भी खुद से प्यार नहीं है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। सही। अच्छा इन्होंने दूसरा, मेरे पास ये क्वेश्चन भी मौजूद है जिसका आपने सवाल अभी जवाब दिया भी है और आपने जिक्र किया भी है कि फ्लैग में ब्लू हार्ट्स का एरिया, तो वो आप ही का था? और बाकी मतलब जब किसी के साथ आप किसी लेबल के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनको इस बात के ऊपर आमादा करना कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ब्लू फैमिली है वो हर जगह दिखे, तो ये आपके लिए थोड़ी सी आसान होती है या फिर मतलब वो इजिली आमादा हो जाते हैं इस बात पे? मतलब अब सब जानते ही हैं कि वो ब्लू फैमिली इज अ पार्ट ऑफ मी, एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब एक डायरेक्टर उनकी खुद की कहानी लिखते हैं विजुलाइज करते हैं, तो हम फोर्स फिट नहीं करते हैं किसी चीज को। हम उनको पूछते हैं, उनको कहते हैं कि अगर आप देखिए आपकी कहानी में कैसे आप ऐड कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, चाहे छोटा कुछ भी हो। और फिर इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, सारा टीम बैठता है और डिस्कस करता है कैसा कुछ करते हैं, एंड देन वी डिसाइड। एंड आई थिंक लेबल के साइड से कभी किसी को प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल फैंस ही हैं और उनके लिए ही हम गाना करते हैं और वही लोग सुनते हैं। और ये जो नंबर्स हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि वो लोग ही लेकर आए हैं, वही रिपीट पे सुनते हैं। सो आई थिंक सबसे ज्यादा आर्टिस्ट के गाने के ऊपर हक उन फैंस का रहता है। एंड मेरे को प्रॉब्लम हुआ नहीं है अभी तक, जितने लकीली लेकिन जितने ये बात लोगों के कितनी साथ हैं। खास लगती है, मतलब किसी और अगर सिंगर के साथ देखा जाए, म्यूजिशियन के साथ देखा जाए, तो ऐसा हमें नजर नहीं आता उनके म्यूजिक वीडियो में, हर दफा उनके फैंस को इतना वैल्यू देना, तो ये आपके लिए कितना मैटर करती है बात, कि क्या एहसास क्या है, फीलिंग्स क्या है इसको लेके? और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई और आर्टिस्ट ये नहीं कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने फैंस को प्यार नहीं करता है। हर एक का एक
तरीका रहता है, एंड हर आर्टिस्ट अपने फैंस के लिए काम करता है. मुझे मुझे बस अच्छा लगता है, एंड वो एक्साइटमेंट के वो ढूंढ लेते हैं कि हाँ सी यहाँ पर जैसे बारिशों में जैकेट पे ब्लू हार्ट्स थे, बहुत छोटे छोटे ब्लू हार्ट्स थे, बट और इस वीडियो में तो बहुत सारी जगह पर आप देख ही रहे होंगे. सो ये मेरा तरीका है, जस्ट स्मॉल वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. एंड मैं चाहता हूँ कि दुनिया जाने, जैसे अगर जो लोग नहीं भी जानते कि ब्लू फैमिली क्या है, वो एक बार तो वीडियो देखेंगे और नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा ये ब्लू फैमिली दर्शन के फैंस है और जिन्हें दर्शन बहुत प्यार करता है. सो या जस्ट माय वे ऑफ सेइंग, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बट मेरी तरीके से जितना भी मैं कर इसीलिए सकता ब्लू हूँ. फैमिली पूरी आपको क्यूट कहती है, क्योंकि आपके ये बहुत क्यूट जेस्टर्स होते हैं जो आप हमेशा करते हैं उनके लिए, इतना क्यूटली सोचते हैं उनके लिए। चलिए ग्रेट असेसमेंट, बता दूं कि कौन कौन लोग शामिल थे इसके सवाल करने में आपसे। तो ये दर्शन आइडल, स्वाति, दर्शन रावल तांबली, निक्की निक, स्वाति शो और हेवनली ब्लेस्ड, नेहा शहारे, सृष्टि और इसके साथ सबरीना, दर्शन क्यूटी पाई, प्रिया वी, शीता निंदनी, मामून, तहजीब कबीर सुही, खुशी दर्शन, स्टार वर्ल्ड, तृप्ति, दशु, संजीदा एंड साइमा। सब में दर्शन सुनाई दे रहा था मेरे को. बिल्कुल, क्योंकि फैंस है ना सब आपके। रेंज टू अच्छा, ढोल बजेगा, ढोल बजा जो है, इस ट्रैक का टूर कब शुरू होने वाला है? सब फैंस ने अपने अपने सिटी का पूछा है, कुछ अपने कंट्रीज का भी पूछ रहे हैं। जैसे आपके लिए बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेजेस हैं, कतर से बहुत सारे मैसेजेस हैं कि कब टूर शुरू करेंगे, कब आएंगे हमारी तरफ। अभी तो टूर का पता नहीं, बट आई आई थिंक अक्टूबर से होगा. और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं रहता है कि मेरा पहला शो किधर होने वाला है. मुझे बहुत लास्ट मोमेंट बताया जाता है कि इस डेट को आपका शो है और मैं रेडी रहता हूँ. तो जितना एक्साइटमेंट मेरे मेरी प्यारी फैमिली को है, उतना ही मुझे भी एक्साइटमेंट है कि पहली बार मैं इसे कहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ. सो देखते हैं जल्दी से, लेट्स सी. बट काफी टाइम से हम थोड़ा एक 1.5 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉनसून ऑल्सो, एंड आई थिंक अब विल स्टार्ट परफॉर्मिंग इन अक्टूबर ग्रेट, और मैं तो चाहूंगी आप सबसे पहले कतर से शुरू करें ताकि हम आपको देख या सकें यहाँ पे परफॉर्म करते हुए। बिल्कुल. नहीं, थैंक यू ऑफ कोर्स. सैलरी अच्छा, ये था दीप्ति दास, सुरुदु, अनन्या सिंह चौहान, सारा, महक, शुभी, भाविया श्री, ज्योति सेठिया, तीदा, श्रुति शेटी, मर्जिया, आयशा और सलोनी का मैसेज। अच्छा, इसमें एक बड़ा फेवरेट मेरे पास आया है जो कमेंट आप मैसेज कह सकते हो, ये कि दर्शन, आफ्टर एवरी रिलीज ऑफ योर्स वी एक्सपेक्ट इंटरव्यू विद महावश एज शी द ओनली वन हु कन्वे आवर फीलिंग्स एंड बातें विद यू, सो प्लीज ये इंटरव्यू कभी मत छोड़ना, ये सबरीना का मैसेज है आपके लिए। बट नहीं, बट एक्चुअली मैं बहुत सारे इंटरव्यूज करता हूँ, एंड उसमें जो बातें मुझे पूछी जाती है वो उतनी पर्सनल कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप जो मुझे पूछते हो मेरे फैंस के क्वेश्चंस पूछते हो, और मुझे भी बहुत मजा आता है क्योंकि अक्सर जब हम लाइव जाते हैं तो बहुत सारे फैंस के क्वेश्चंस छूट जाते हैं और देख नहीं पाते. बट आई ऑलवेज टेल यू थैंक यू. और मुझे भी सबसे ज्यादा मजा आता है आपके साथ मुझे इंटरव्यू देने का क्योंकि जेन्यून सवाल होते हैं और बहुत बहुत इट्स ग्रेट ग्रेट. एंड आई वुड रियली वंस अगेन लाइक टू थैंक यू फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू, ऑलवेज इट्स अमेजिंग. ये मेरे लिए बहुत ही मतलब ऑनर की बात है कि मुझे मौका मिलता है आपसे बात करने का, और जब कभी ऐसा नहीं हो पा रहा होता और सब मुझे मैसेज भेज रहे होते हैं तो बड़ी गिल्टी फीलिंग भी होती है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करने लगे हैं। आप चलिए जी नहीं नहीं आप हमेशा जब भी मेरा गाना है प्लीज आप मेरा इंटरव्यू कर लीजिए. बहुत क्यूट है, सीरियसली अब बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे एकदम बोलने पे मैं मजबूर हुई हूँ ये। अच्छा, नवरात्रि का क्या प्लान है? डांसिंग और ढोल बाजा तो है, साथ में और क्या है? नवरात्रि इस बार एक्साइटमेंट मुझे भी है, और मैं मुझे बहुत मन होता है कभी कभी कि मैं भी जाऊं वापस फिर से जैसे पहले नवरात्रि करते थे, बट अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कहीं पर भी ऐसे नवरात्रि करने जाते हैं तो फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही हो जाता हूं, एंड मैं खुद तो प्ले नहीं कर पाता, मुझे 5-7 मिनट वहां से निकल जाना पड़ता है. सो लेट्स होप इस बार आई वॉन्ट स्पेंड नवरात्रि अगेन. कुछ दिन तो मैं मेरे फैमिली के साथ गुजारना चाहूंगा, एंड ऐसे ही छोटे छोटे कहीं सीक्रेट जहाँ सोसाइटी में छोटे छोटे नवरात्रि होते हैं, मैं कोशिश करूंगा जाने की, एंड लेट्स होप कि इस बार, बट इस बार मुझे एंजॉय करनी, क्योंकि 2 साल हो गया नवरात्रि प्रॉपर एंजॉय नहीं की है, एंड वेट करते थे कब आ जाए. सो लेट्स होप इस बार.
ग्रेट, उर्शाली, गौरी, रीमा दर्श, अर्पिता नाथ, सलोनी, दिशिका, मानसी, पितीशा, मीरा शर्मा, अमरिया, रितिका, सुमिता और हर्षिता का क्वेश्चन था ये आपके लिए। अच्छा अच्छा, ढोल बाजा के लिरिक्स किसने लिखे हैं? और ये उज्मा, जोया, अनामिका, अरिया, हिरल निचलानी और अनिया गुप्ता विशाली, अलका दर्श ने पूछा है। दानिश भाई ने लिखे हैं, जो स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने, वो ये वो दूसरे वो डैनिश है, ये दानिश है, दानिश आबरी। और इन्होंने पहले भी मेरे एक गाने के लिरिक्स लिखे थे, दिल मेरा ब्लास्ट हो गया आंखों से टेलीकास्ट हो गया, तो वो जो दिल मेरा ब्लास्ट गाना था वो उन्होंने लिखा था। बहुत कमाल लिखते हैं। और इस नचाने वाले गाने और उनकी स्पीड भी बहुत तेज है। या तो ये गाना उन्होंने लिखा है। जबरदस्त। अच्छा, वैसे आपको पर्सनली सैड सॉन्ग ज्यादा कनेक्ट करते हैं और या फिर सैड, वो सॉरी, हैप्पी सॉन्ग्स? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि सैड करते होंगे, पता नहीं क्यों। मुझे रोमांटिक गाने अच्छे लगते हैं, मतलब हाँ, कभी कभी बहुत पैशनेट गाने भी जो होते हैं, कभी वो सैड, इतने पैशनेट होते हैं लव सॉन्ग्स कि सैड फील होते हैं, बट एक्चुअली वो लव सॉन्ग्स ही होते हैं। तो लव सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं सुनने का, मैं खुद एंजॉय कर पाता हूँ। बट अगेन मूड है, जैसे अगर आप कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हैं, तो फिर आपको थोड़े अपबीट गाने सुनना भी पसंद होता है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं सैड सॉन्ग्स भी करूँ, थोड़े ऐसे सेलिब्रेशन वाले गाने भी करूँ, और अलग अलग तरह के गाने करता रहूँ, कि जो मैंने भी इसलिए मेरे आपसे फैंस सवाल किया करा। क्योंकि अगर ये सवाल हमसे किया जाए, मतलब मुझसे किया जाए, जो फैमिली से किया जाए, तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाहे सैड सॉन्ग्स करें चाहे हैप्पी सॉन्ग्स करें, आप सब इतने अच्छे अंदाज से गाते हैं कि वो हमें तो अच्छे ही थैंक लगते हैं जो भी हो। तो इसलिए मैंने यू। आपसे पूछा बट कि आपको कैसा लगता है। मुझे खुद की, मेरी आवाज हमेशा से रोमांटिक गानों में ज्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, बट हाँ, बट एज ए सिंगर मैं चाहूंगा कि मैं अलग अलग तरह के गाने गाऊं और उसको भी जस्टिस कर पाऊं। राइट। अच्छा, ये ब्लू फैमिली जानती है पूरी कि आप काफी जो है नॉटी हैं, तो इन्होंने ये सवाल जी आपसे किया है कि वरीना के साथ कोई प्रैंक किया कि आपने? और ये अजरा सैयद है, अलीना, श्रिस्टी, पलक खेड़िया, पीयू हिज फेवरेट फ्रेंड, और दिवांशी, दर्शु और ईशानी। प्रैंक, अभी तक तो आप सबको पता ही चल गया होगा मेरे सोशल मीडिया से कि वरीना के साथ प्रैंक नहीं कर सकते, वो खुद वो डेंजरस लड़की है, और मुझे परेशान कर दिया उन्होंने गाने के रिलीज के पहले। कहीं तो उन्होंने लिरिक्स लिख दिए थे, मेरे को लिखना पड़ा, प्लीज मत करो। और रिलीज डेट एक दिन पहले बता दी थी उन्होंने, तो शीज फन, और मजा आया। बस उनको मुझे थोड़ा संभालना पड़ा कि गाना कुछ लीक ना करे। सो या इट वाज वेरी फन एंड मजा आया उनके साथ। मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, बट ऐसे और छोगाड़ा के बाद वापस कभी कभी हम जिम में मिल लेते थे, हाय हेलो हो जाती थी, बट देन वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी दोनों को कि हम साथ में फिर से काम करें आफ्टर छोगाड़ा, एंड व्हाट बेटर देन अ नवरात्रि सॉन्ग अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स। सो या शी इज अमेजिंग एंड बहुत अच्छा डांस करते हैं, एंड शी इज ब्यूटिफुल, एंड शी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दिस वीडियो एज वेल। सो बस मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, और बस अच्छा हुआ गाना जल्दी से रिलीज हो गया उनके कुछ लीक करने से पहले मतलब तंग प्रैंक उन्होंने किए थे आपके साथ, इससे हमें ये अंदाजा उन्होंने हो किया। गया। अच्छा, फेवरेट लाइन फ्रॉम ढोल बाजा, और बाय द वे इन्होंने मतलब सबका कहना है कि हमारा तो पूरा फेवरेट ही है, पूरा का पूरा ही फेवरेट है। आपकी कोई फेवरेट लाइन हो तो बताएं। नहीं, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के ये वीडियो आने वाला है, ये वीडियो आप रखने वाले हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे आप अपनी फेवरेट लाइन बताओ मुझे कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगा। चलें ठीक है। विराजशाली, भूमिका, नौशीन, तबस्सुम और माही ने आपसे ये सवाल किया था, और ये इनका सबका ये भी कहना है कि ये जो ट्रेडिशन आपने शुरू की है नवरात्रि सॉन्ग की, जैसे मानसून के हर दफा आते हैं सॉन्ग, तो इसी तरह से ये चाहेंगे कि हर साल आपका इस तरह का सॉन्ग भी जरूर, फेस्टिवल का सॉन्ग भी इनको मिले। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, अभी प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि हर साल, बट अगर जैसे सबको पता ही है बारिश का गाना तो मैं करता ही हूँ, एक रोमांटिक वैलेंटाइन गाना करता हूँ, एंड कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे कि एक सेलिब्रेशन का गाना भी हो। सो तीन अलग अलग तरह के गाने तो ऑलरेडी आपको सुनने मिलेंगे ही, बट या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली ट्राई, और आगे भी मैं कोशिश करता रहूंगा कि अलग अलग तरह के गाने सबको मिले। बट मुझे ऐसे जैसे फेस्टिवल का गाना, बारिश का गाना, एंड वैलेंटाइन पर रोमांटिक गाना, ये अच्छा लगता है कि मोमेंट्स पर गाने निकालना।
ये दीप्ति तन्वी चेती ने पूछा था आपसे, और साथ में एक क्वेश्चन और था, वो ये कि हर दफा अपने ऊपर प्रेशर फील नहीं होता कि मैंने इतना हिट दिया है तो अब नेक्स्ट देने वाला हूं तो फिर क्या होगा? या प्रेशर बहुत रहता है एंड ऑफ कोर्स प्रेशर इज ऑलवेज देयर. कि सबसे पहला प्रेशर तो यही रहता है कि आई होप सबको पसंद आए. और जैसे हर गाना करता है लास्ट, जैसे बारिशों में हैज डन ग्रेट. और जब गाना कोई बहुत अच्छा चल जाता है, अप्रिशिएशन मिलता है आपको, तो फिर और ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि नेक्स्ट वाला भी उतना ही पसंद हो. एंड ऑफ कोर्स परसेप्शन वाइज भी लोगों को हमेशा प्रेजेंट याद रहता है. पास्ट इज लाइक आपका ये गाना पीछे हिट था, अभी क्या. तो इट इज ऑलवेज द फाइट फॉर द प्रेजेंट दैट यू डू. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अगेन बहुत कमाल की ऑडियंस है मेरे पास. तो मेरा प्रेशर सिर्फ रिलीज तक ही रहता है मोस्टली. रिलीज इसलिए मेरा प्रेशर सबसे ज्यादा ये रहता है कि बस पसंद आ जाए, यूनिवर्सली सबको पसंद आ जाए. और वो हो जाता है वो, तो फिर मैं आई एम अ लिटिल रिलैक्स्ड. तो सारा प्रेशर मेहनत ये वो हम पहले कर लेते हैं. वंस द सॉन्ग इज आउट वी जस्ट वो फिर हम हमारा गाना दे देते हैं. फिर वो सारा प्रेशर फैंस पे आ जाता है, क्या स्ट्रीम करना अब है, आपने देखना है. सुना है सही। अच्छा, जा सॉन्ग टाइटल इसका ढोल बजा का किसने डिसाइड किया था कि ये टाइटल होगा ढोल बजा? वो इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि जो जैसे हुक भी है, ढोल बजा ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा नाचेंगे सारी रात हम, तो उसमें टाइटल दिख ही रहा था ढोल बजा, क्योंकि वो ढोल बजा ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, चार तीन बार तो ढोल बजा आ गया है. हमने ग्रेट। सोचा व्हाट, इससे बेटर टाइटल नहीं होगा कुछ. अच्छा, ये फरमाइश भी थी, अगर आप इस लाइन के साथ थोड़ा सा और हमें गा के सुना दें तो ये एक दफा में ही पूरी हो जाएगी। ऐसे ही गा दूं मैं कि चलेगा ना, क्योंकि ये जैसे तो नहीं जैसे चल जैसे सकता. आप चाहें जैसे आप। नाचूंगा ऐसे उड़ती पतंग जैसे जुए हवाओं के संग, ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूं मस्ती में मस्त वाला. ढोल बजा ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम गरबे की रात में, तू मेरे साथ में, रोके रुकेंगे ना हम. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, बहुत आला। राइट, तो ये सवाल था भाई, महक संध्या, वंशिका, सीधी पटेल, नुसरत कैफ शेख, आकांक्षा हितवी, दर्शु लवर, दिशा दर्श, और इन्होंने पूछा अच्छा, साथ में कि विलॉक कब आ रहा है, गोरी का अभी तक नहीं आया, वो पेंडिंग है, और ढोल बजा का कब आ रहा है? ये एडिट करते हैं अविश वीडियो, तो बस कर दें एडिट तो मैं अपलोड कर दूं. अच्छा, तो बट गोरी का यार दबाव अभी है, आई था गोरी का है। गोरिये का किया था, गोरिये का पर फुट डेटा कुछ मिसप्लेस हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था. ओके ओके, कुछ चले तो मेरी फिर टीम अविश से है. हम रिक्वेस्ट करेंगे, अविश बैठे हुए सुन रहे हैं, कि अविश प्लीज जल्दी से आप एडिट कर दें ताकि हम सब लोगों को देखने को मिल सके। तन्नू हाँ मैं भी वेट ही करता हूँ, कर दो एडिट, कर दो. सारा, दर्शन रवर लवर्स, और रिहाना, जन्नत, मेहराब, मुस्कान का ये क्वेश्चन था, और इन्होंने पूछा है शूटिंग के वक्त कोई फनी इंसिडेंट अगर हुआ हो तो वो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। भूमिका, दीवू, कीर्थाना, खुशी इज्म, और ये चारी, महक, दर्शन, मून, नवी का सवाल। शूटिंग के वक्त क्या होता है सबको, हमेशा मेरे को ये क्वेश्चन. हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सबको ये जानना रहता है कि कुछ ऐसा खतरनाक हुआ होता है. बट आई थिंक जब आप 3-4 दिन शूट करते हो या कहीं बाहर जाते हो तो ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं. यहाँ पर आप बहुत कट टू कट डेडलाइन में शूट करते हो, मतलब आपके पास बहुत टाइम रहता है. एंड तो शूटिंग पे यू आर वेरी फोकस्ड एंड आपको काम करना है. एंड दिस सॉन्ग बीइंग अ डांस सॉन्ग, आई रिमेम्बर कि जब हम कॉलेज वाला सीक्वेंस कर रहे थे, एक तो जो मैंने जैकेट पहना था वो था एक बॉम्बर जैकेट, विंटर वेयर जैकेट है. और इतनी ज्यादा उसी दिन इतनी ज्यादा गर्मी थी और पूरा मेरा स्लीव, जितनी बार मैं एक स्टेप करता था एक टेक होता था, पूरा स्लीव भीग जाता था. मेरे को तुरंत जैकेट निकाल के दे देना पड़ता था. सो एवरी शॉट, और दोपहर और हर शॉट में मैं मेरी पूरी फुल एनर्जी लगाता था. और वो शॉट कट होके आदिल भाई कहते कि दर्शन एनर्जी कहाँ है. मैंने कहा मैंने सारी एनर्जी निकाल दी. बोले नहीं, और एनर्जी चाहिए. फिर जल्दी से मैंने रेडबुल 2-3 पी ली एंड देन वी कुड अचीव. बट आई रिमेम्बर कि वो इतना मेरे हर म्यूजिक वीडियो में वेदर इतना एक्सट्रीम रहता है ना, पता ही नहीं चलता. बट
अकेली सेकेंड डे सेट था, इंडोर था, बहुत सारा एसी था, वो इजी था, बट उसमें आई थिंक वरीना के लिए मैंने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, क्योंकि आई वाज वेयरिंग शूज, वो शूज नहीं पहन रहे थे, तो बार बार मेरा वो पैर उनके पैर के ऊपर आ रहा था। ओ तो तो ये सब सारी चीजें बहुत कुछ फनी था आपके पास शेयर करने के लिए हाँ, ये वो ठीक ठाक मोमेंट्स है, फनी फनी। है तो हाँ सही। अच्छा मैंने शॉपिंग हम प्लस लाल वर्क पूरे एक्सपीरियंस हाँ सॉरी सॉरी हाँ शॉपिंग प्लस वर्क एक्सपीरियंस मैंने पूछा है आपका वरीना के साथ और प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ, वह प्रकृति प्रकृति की आवाज मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। एंड मैं एक दिन, एक बहुत टाइम पहले मैं एक कैफे में गया था, और वो वहां परफॉर्म कर रहे थे, एंड फिर मैंने मेरे मैनेजमेंट को कहा कि प्लीज आप ये लड़की को ढूंढिए, इसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड प्लीज अच्छा इफ यू कैन टेल हर दैट इफ शी कैन परफॉर्म विथ मी ड्यूरिंग माई शोज। तो फिर पता चला कि उनका खुद का बैंड भी है, देसी डुओ, और वो लोग परफॉर्म करते हैं, एंड देन शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड परफॉर्मिंग विथ मी, एंड आई रियली लाइक हर वॉइस, एंड इस गाने के लिए भी ऑल ऑफ अ सडन एक मोहसिन भाई ने कहा कि एक पूरा एक फीमेल पोर्शन है, तो कौन गा सकता है? मैंने कहा हम प्रकृति को कहते हैं, लेट्स कॉल हर एंड लेट्स रिकॉर्ड हर, एंड शी केम। और जो पहली रिकॉर्डिंग में आए थे, जब स्क्रैच डब कर रहे थे, तब वो बहुत नर्वस थे, बट मैंने आई टोल्ड मोहित भाई दैट शील किल इट, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। सेकेंड रिकॉर्डिंग तब मुझे लगा कि तब ज्यादा नर्वस होंगे, जो यशराज में हुई थी, तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और तब वहां पर उनका फाइनल रिकॉर्डिंग किया। बट या शी इज अ ग्रेट टैलेंट, एंड वो उनके पार्टनर के साथ देसी डुओ जो बैंड है, वो भी उनका कमाल है, एंड आई एम हैप्पी दैट वो इस गाने का पार्ट बने हैं, एंड टेक्निकली उनका पहला गाना है, एंड आई होप पीपल लव हर एंड सपोर्ट हर, और ऐसा अच्छा काम करते रहें आगे भी, और बहुत सारे गाने उनके आते रहें। ग्रेट जबरदस्त इंशाल्लाह। और रही बात शॉपिंग की वरीना के साथ, तो लंबा खासा बिल उन्होंने बना दिया और आ गए थे सारे शॉपिंग बैग्स लेकर, बट या एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए रेडी है हम, गाना लीक ना हो उसके लिए, तो वो भी कर दिया, क्या बट बात या है यार जबरदस्त। अच्छा क्यूट गर्ल स्वाति दर्शन दर्शन लवर तेजस्वी और देवांशी तृप्ति तशु संजीता अस्मी महक तर्श का ये आपसे सवाल था। म्यूजिक वीडियो में जो गर्ल्स ढोल बजाती हैं आर दे मेंबर ऑफ ब्लू फैमिली मींस फैन गर्ल्स और ये मौका हमें भी मिलेगा क्या कभी ये फैन गर्ल्स ने पूछा आपके। जो मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, वो आदिल भाई के पूरे टीम ने कोऑर्डिनेट किया था, दे आर ऑल द डांसर्स एंड एवरीबॉडी, तो वो अब उसमें से कितने लोग ब्लू फैमिली में हैं वो मुझे नहीं पता, हाँ, तो बट कभी कुछ ब्लू लोग फैमिली आकर को ये चांस मिलेगा कि वो आपके किसी म्यूजिक वीडियो में अपेयर हो? अभी था, मतलब अगर आगे कुछ ऐसा ऑफकोर्स कुछ प्लान हुआ बता होगा तो ऑफकोर्स हम बताएंगे, अभी तो पता नहीं है, क्योंकि ये हो गया और इसमें ब्लू फैमिली था, रिप्रेजेंटेशन था ब्लू फैमिली का, बट आगे अगर ऐसा कुछ, ऑफकोर्स ये आपने आइडिया दिया, हम कुछ प्लान कर सकते हैं, यू नेवर नो। ग्रेट ग्रेट। अपूर्वा उर्वशी और विश्नवी का ये मैसेज आपके लिए था मतलब सवाल था। ढोल बजा के जी वीडियो में आप कॉलेज में सीनियर बनते हैं तो शेयर योर कॉलेज स्टोरी। कभी आपने ऐसा कुछ किया अपने जो फ्रेशर्स थे सीनियर का कभी रोब झाड़ा कुछ प्रैंक किया उनके साथ? ज्यादा देर तो कॉलेज में नहीं रहा मैं, बट जितना टाइम था मेरे सारे सीनियर दोस्त थे, तब मैं फ्रेशर था, और सीनियर्स रोप झाड़ नहीं सकते थे हमारे ऊपर, क्योंकि मैं सीनियर्स के ग्रुप में चला जाता था और फिर फ्रेशर्स को तंग करता था, तो फ्रेशर्स बेचारे कंफ्यूज हुए कि ये भी हमारे जैसा ही है, इसको क्यों इतना फुटेज मिल रहा है। बट या आई हैड सम सीनियर्स इन माय कॉलेज जो बहुत मजेदार थे और बहुत सपोर्ट किया था, उस वक्त भी छोटे छोटे कहीं शोज होते थे तो वो मुझे प्लेस कर देते थे अंदर, और बहुत प्यार करते थे सारे फ्रेशर्स मुझे, सॉरी सीनियर्स मुझे, तो उतना ज्यादा हमने परेशान नहीं किया, वी हैव बीन वेरी गुड कॉलेज के लड़के, जब हमारे जो जूनियर्स आए थे, वी हैव बीन वेरी स्वीट। सही। दर्शन फैन फॉरएवर जिया चौहान उतारा भौमिक अस्मिता अफरीदी जफर अली अपूर्वा और रीवा का ये आपके लिए सवाल था। ढोल बजा डांस ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए हमें। आपने कहा था एक दफा वीडियो पे कि आपको डांस नहीं आता बट नाउ यू डांस लाइक प्रो। अब मैं एक चीज समझ गया हूँ कि जैसे अभी तक जितने भी म्यूजिक वीडियोस
मैंने किए हैं, उससे मैंने 10-15 दिन रिहर्सल किया है, 20 दिन रिहर्सल किया है. तो जब व्हेन आई स्टार्ट रिहर्सिंग टू मच, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने लगता हूँ. इसमें आदिल भाई ने इसमें सबसे कम रिहर्सल किया मैंने, 3 days आई थिंक, 3 दिन या दो तीन तीन दिन मैक्स होगा. और इसमें सबसे पहले दिन ही मुझे आदिल भाई ने बोला कि आज पूरी कोरियोग्राफी सीख ले, लर्न एवरीथिंग एट फर्स्ट एंड फिर यू डू इट. और बोले डोंट थिंक टू मच कि मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप 20 दिन तक रिहर्स करते तो एक एक स्टेप आपको ब्रेन ज्यादा लगने लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरा बॉडी अच्छा नहीं दिख रहा ये. इसमें उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इंजॉय करो, डांस का मत सोचो. एंड वही किया मैंने. मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं कैसे डांस कर रहा हूँ, क्या है. मैंने सिर्फ आई हैव जस्ट एंजॉयड जैसे मैं रूटीन में एंजॉय करता हूँ, एंड वो स्क्रीन पर समहाउ अच्छा लग रहा है. तो या कम रिहर्सल बट आई हैव एंजॉयड ज्यादा. बहुत आला, बहुत जबरदस्त आप बाकी डांस करने लगे, ये तो मैं भी कहूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए था, आफ्ताब शाहिद, आयशा का, दर्शन रावल फीवर एंड दर्शन स्टार, अर्चिता कुमारी, जैनब डी। तो ये इनका था सवाल था, बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगता है सॉन्ग का? मुझे मुझे बहुत बहुत ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है. जैसे कॉलेज वाला सीक्वेंस भी बहुत कमाल लगता है, बड़ा नॉस्टैल्जिक फील था मेरे को कॉलेज के अंदर. और इवन द नवरात्रि पार्ट, बिकॉज वो जब एकदम से जब व्हेन वी वेंट ऑन द सेट, लाइट्स एंड एवरीबॉडी, सबने उस तरह के कपड़े पहने थे, हमने भी उस तरह के कपड़े पहने थे, तो एकदम से ऐसा लगा कि नवरात्रि जस्ट शुरू हो गई है. और जैसे नवरात्रि में ग्रेट, होता है वैसे पूरी रात हमने सुबह 8 बजे तक वो शूट किया था. इतनी ज्यादा कॉफी पी थी और रेडबुल पी थी कि फिर घर पे आकर भी हम सो नहीं पाए थे कुछ 11-12 बजे तक. तो बट यार, तो दोनों ऐसा नथिंग, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाला, दोनों ही बहुत मुझे अच्छा लगता है. अब वो तो फैंस बताएंगे कि उनको कौन सा वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा. अमरजीत सिंह, सजूती, कंचन शर्मा, अमरिया, मीघू, शिरस्ती गुप्ता, आयम जया, सुअदी पाटिल, भक्ति, आर के, ललिता भागा, फातिमा का, ये सवाल था। अच्छा, हाथ पे जो कपड़ा बांधने का सीन था, उसमें क्या डिफिकल्टी हुई थी और कितने टेक्स में हुआ वो? बहुत टेक्स थे और बहुत अलग अलग टेक्स थे. और एक एक तो था कि वो पहला ये था कि निकाल के ऐसे जूप करता हूँ स्टाइल में. तो पहला पहला एक टेक था जिसमें जो फर्स्ट आप देखते हैं वीडियो में कि मैं उल्ट पीछे से शॉट है और मैं वॉक कर रहा हूँ. तो एक्शन हुआ और मैं जैसे नॉर्मल चलता हूँ वैसे चल के कट कट बोले ऐसे क्यों चल रहा है, थोड़ा स्टाइल में चलना आदिल भाई ने कहा. मैंने कहा अच्छा, स्टाइल में चलना है. तो फिर एक दो टेक और, बोले नहीं और स्टाइल, थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके चल. तो फिर मैं टेढ़ा मेढ़ा होके, क्योंकि वॉक करने को कहेंगे तो यूजुअली इंसान जैसे वॉक करता है और मेरी वॉक इज वेरी ऐसे सिंपल ही है, कैजुअल। हाँ कैजुअल. फिर थोड़ा मैं एकदम फुल ऐसे ऐसे करके चला, दैट ही लाइट. एंड फिर अलग अलग शॉट्स थे, रुमाल निकालना, तो एक तो सही पीछे से राइट टाइम पर निकालना, राइट करना, तो उसके बहुत सारे टेक्स थे. एंड देन ये एंड ये वो आइडिया था, सारे क्वर्की थॉट्स उनके पास बहुत होते हैं, एकदम खींचना और स्माइल देना. तो या एंड सो या ये इट इज कम्प्लीटली हिज क्रेजीनेस ऑफ द वे ही डज एवरीथिंग. ग्रेट, लेकिन आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया उनके डायरेक्शन पे। दर्शन प्रांजू, सोनिया दीप, प्रगति, शहनाज, वंदना, अजय शर्मा, अक्षा खान, पूनम अमीशा, नौशीन तबस्सुम, अंजलि नेगी, रिधि रावल और सोनाक्षी देवी, इन सब लोगों का ये सवाल। हर बार आप इतना टीज करते हैं ब्लू फैमिली को कि इस बार आपने नहीं किया और वो इस पे टीज हो रहे हैं कि आपने क्यों टीज नहीं किया? मैं इसलिए टीज नहीं किया क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट तक काम चल रहा था, फिर उतना टाइम नहीं मिल रहा था टू इंटरैक्ट विद देम, बिकॉज वी आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी टू टू वर्क. और मतलब टेक्निकल बहुत सारी चीजें थी. एक दिन आई थिंक कुछ टेक्निकल वजह से हमको वो भी करना पड़ा. सुबह आई गॉट द मैसेज दैट हाँ आई हैड अ गो हेड दैट आई कैन गो हेड विद द रिलीज का कुछ था. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आया वापस के नहीं 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 वी हैव टू डू समथिंग. सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स. तो इस बार उतना वक्त नहीं मिला मुझे टू कि मैं थोड़ा मजाक करूं. उसके वजह से कभी कभी क्या, जब आप थोड़े से आगे सब आपके पास चीजें हो जाती है
तो ऑल्सो क्योंकि बारिश की वजह से हम शूटिंग भी काफी हमारा लेट चल रहा था, सो देयर वर लॉट ऑफ, इसलिए मैं उनको परेशान बट उनके हिस्से का सारा मुझे जितना भी परेशान करना था वो वरीना ने आई थिंक कर लिया है. मुझे ओके हर बार का सारा इकट्ठा इन टोटल इज डन. राइट ओके अच्छा ये रसगुल्ला दर्शन हॉल एक अलका ट्विन दर्शनर लेट्स फॉल गो. या निधि अर्चना का क्वेश्चन था आपके लिए। अच्छा एक्सट्रीमली वाह. सॉरी थोड़ा आपको नॉइस आया होगा इधर। ठीक नहीं, अरे इट्स ओके इट्स ओके. ठीक है है ठीक है. अच्छा रिस्पॉन्स देखिए कैसा लग रहा है माशाल्लाह इतने सारे व्यूज हो गए हैं आपके। यासिर सक्षी अग्रवाल वसीम तबस्सुम तमन्ना संचिता उपसना सिंघोविता और नंदिनी जुमाना सुदीपा ने पूछा है रिस्पॉन्स ब्लू फैमिली का हर दफा इतना बढ़िया होता है इतना जानदार होता है वो देखिए आपको कैसा लग रहा है। अब बड़ी ग्रेट फीलिंग है और हमेशा मैं कहता हूँ कि अच्छा लगता है मुझे कि सिर्फ हर जगह पर यूट्यूब हो या स्ट्रीमिंग पर हो, इट्स व्हेन पीपल वॉच द वीडियो एंड लाइक इट एंड कमेंट एंड शेयर इट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी. और ऐसे गानों में तो ज्यादा मजा आता है क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी रील्स बनती है तो आई कैन सी माई फैंस डांसिंग एंड लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल डूइंग द स्टफ ऑन द सॉन्ग. सो बड़ा इट्स अ ग्रेट प्रोसेस. एंड ये फिर मेरा कैसा है कि ये रिजल्ट है तो फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं एंजॉय करता हूँ. और एज आई सेड के गाने के तक मैं माय हार्ड वर्क कीप्स ऑन गोइंग एंड फिर सारा हार्ड वर्क फैंस करते हैं और वो मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग है. और क्या ही कहूँ मैं. सो अच्छा या आई मीम्स आपने जिक्र किया है मीम्स आपकी सिर्फ सॉन्ग्स पे नहीं बनती है जब इंटरव्यू होता है कोई भी तो उस पे भी बहुत मीम्स बनती हैं तो वो मैं खुद भी क्योंकि मुझे टैग करते हैं सब लोग तो मैं सारी आपकी जहां जहां आप इंटरव्यू देते हैं उसकी जो मीम्स होती हैं मैं देखती हूँ बहुत इंजॉय करती हूँ बहुत मजा आता है तो मीम्स देखिए And I'm sure. आप देखते हैं सारी मीम्स ये बताएं मतलब तो फॉलो हाँ करते हाँ हैं आप देखते हाँ हैं मैं देख मेरे ऊपर ही होती है. मैं तो देखता ही हूँ और पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं. अब जैसे मुझे लग रहा है कि आज के इंटरव्यू में उनको कुछ नहीं मिलेगा बट आई एम श्योर वो एक एक मिनट कुछ पॉज बहुत करके कुछ कहीं मिलेगा कुछ मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है अंदाजा हो चुका है कि उनको बहुत कुछ मिल जाएगा आज के इंटरव्यू से भी और मैं मतलब इतना खुद एंजॉय करती हूँ बहुत मजा आता है और इसके साथ ही कुछ फिटनेस फ्रीक्स हैं और इनका क्वेश्चन है कि शूट पर जाने से पहले जिम किया था कि नहीं किया था क्योंकि फिट रहना तो बहुत जरूरी है। इस बार का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था. यूजुअली जब हम सैड गाना कर रहे होते हैं तो, और अब मैं पहले थोड़ा सा ऐसा था कि लास्ट वीक शूट का बहुत ज्यादा डाइट करता था, पानी कम पीता था, ये वो सब, तो वो सब मैंने बंद कर दिया है. अभी मैं जितना भी मुझे फिटनेस करना है वो मैं चालू ही रखता हूँ. ऐसा नहीं है कि शूट के पहले एकदम वो कर दिया क्योंकि अभी आई एम इन अ गुड शेप एंड आई फील आई एम वेरी वेरी फिट अभी. ग्रेट बिल्कुल ऐसे ही बट इस बार इतना ये था जो कि बिकॉज ऑफ रिहर्सल मैं जिम तो कर ही रहा था और उसके बाद एकदम से रिहर्सल आ गया. रिहर्सल सिर्फ 1-2 घंटे का नहीं था, काफी काफी लंबा रिहर्सल था. तो रिहर्सल के पहले तक मैं एकदम बहुत लिमिटेड डाइट पर था कि बहुत कम कम थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाना था. रात को कार्ब्स नहीं खा रहा था मैं. तो मेरे ट्रेनर ने फिर मुझे बहुत मजेदार ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि नाउ आप थोड़ा रात को भी आप कार्ब्स खा सकते हैं, आपको जो मन कर रहा है वो खाओ, शुगर एंड अनहेल्दी चीजें नहीं बट हेल्दी चीजें आप खा सकते हो. तो मैं एक्चुअली इस बार शूट के पहले बहुत सारा खाना खाया है मैंने एंड आई हैड ग्रेट टाइम. ग्रेट जबरदस्त नहीं आप फिट माशाल्लाह बहुत हो गए हैं बहुत अच्छे लग रहे होते हैं आप तो बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यू रखिएगा और ये इनको जवाब भी मिल गया होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब होता है ना जो खुद जिम जाता हो तो वो दूसरा अगर एक दिन जिम ना जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो हाँ लाजमी वैसे. सुबह के सवाल आते हैं। अच्छा मीम्स का मैंने हाँ आपसे पूछ लिया है अब आपको बताती चलूं कि ये सनी सिंह लीसा जितिन का सवाल था आपसे और फीदी तनु ऐश्वर्या दर्श अनीशा मानसी और नॉटली नाइस रावल इन्होंने आपसे पूछा था। लास्ट क्वेश्चन है ऑडियो रिकॉर्डिंग में ज्यादा एंजॉय करते हैं आप आपने एंजॉय किया ढोल बजाए की या फिर वीडियो जो प्रोसेस था उसको आपने ज्यादा एंजॉय किया खुशी तिवारी सिद्रा 143 गबू इनका मैसेज। मैं हमेशा 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 से ये क्वेश्चन वैसे बहुत डिफिकल्ट है बट इजी भी है वैसे. तो मैं आई एम नॉट एन एक्टर, मैं एक्टर नहीं हूँ. और जितनी भी वीडियो की प्रोसेस है वो हमेशा फैसिनेटिंग लगती है, बहुत कूल लगती है. बट मैं हूँ तो एक म्यूजिशियन ही, एक आर्टिस्ट ही, तो मुझे हमेशा मजा बहुत आता है ऑडियो की प्रिपरेशन के लिए. क्योंकि वो
इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और वो जिंदगी भर मुझे याद रहता है, हर गाने का रिकॉर्डिंग या डबिंग एंड उसके लाइफ का प्रोसेस, म्यूजिशियन से मिलना एंड कैसे धीरे धीरे आपने क्या बनाया था गाना एंड कैसे इट टर्न्स आउट टू बी अ डिफरेंट सॉन्ग कम्प्लीटली एक जब गाना खत्म होता है. तो ऑडियो की प्रोसेस हमेशा हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रही है एंड मैं इंजॉय बहुत करता हूँ वीडियो की. बिकॉज मैं एक्टर नहीं हूँ, और तो मुझे बड़ा फैसिनेशन बहुत रहता है कि यार जैसे ये डांस का गाना एकदम लार्ज स्केल का गाना है तो उसके लिए तैयारी अलग से, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. बट या ऑडियो इज क्लोजर टू माई हार्ट. ग्रेट. अच्छा, मैंने आपको एक चैट में एक पिक्चर सेंड भी की है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ. ब्लू फैमिली बहुत क्रिएटिव है, चाहे वो मीम्स बनाना हो चाहे वो आर्ट वर्क हो. तो बारिशों में जब आपका ट्रैक आया था तो ये बहुत वायरल रही थी एक रंगोली, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी. अश्वनी की ये रंगोली है जो कि आपको शायद नजर आ रही होगी स्क्रीन पे अपने. हाँ, ओ जी वाह, जी और ये मैंने ये आपको रंगोली पिक्चर है. सेंड भी किया. जी रंगोली है. ओ वाह, कभी कभी मैं ये अश्विनी. सारी चीजें, जब अश्विनी, थैंक यू अश्विनी फॉर फॉर दिस रंगोली, एंड बड़ा अलग फीलिंग है व्हेन व्हेन आई सी इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट ये सब क्रिएट करते हैं. ऑफ कोर्स मी बीइंग इट इन इट मेक्स मी फील इवन मोर स्पेशल, बट क्रेजी, इट्स ब्यूटीफुल हाउ इतने टैलेंटेड लोग हैं. वाह, एंड ग्रेट, आर्ट इज ऑलवेज इज बिल्कुल बहुत मैजिकल, जबरदस्त चाहे कोई भी आर्टवर्क. तरह का आर्ट हो. हाँ बहुत जबरदस्त आर्टवर्क. मुझे और भी कुछ लोग हैं जिनके मैं मिस कर रही हूँ, तो उनसे मैं माजरत भी करना चाहूंगी. आई एम सो सॉरी. मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके भी निकाल के आपको किसी तरह से दिखा सकती, लेकिन कुछ वक्त कम था और वो हो नहीं पाया. तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. अगले इंटरव्यू में एक पूरा, आप एक पूरा बीच में एक अलग से एक वो बना देना. एक सेगमेंट रखेंगे जिसमें आर्ट वर्क और आपके सबके सॉन्ग हाँ, सुन सेगमेंट दूंगी मैं. बिल्कुल राइट. तेरे के रख. दर्शन, थैंक यू सो मच. मुझे हर दफा बहुत मजा आता है, लेकिन ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले जब मैं आपका कर रही होती हूँ ना, मुझे मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है कि मैं सबके नाम ले दूं, क्योंकि मुझे होता है कि जितने भी लोग हैं ना, कम से कम उनका नाम आपको सुनाई दे. अच्छा, कुछ आखिर में मैं मिस कर जाती, आखिर में कुछ बर्थडे विशेस जो कि आपने करना है सबको, बर्थडे विश तो ये हम भूल नहीं ऑफ सकते. हाँ, सबसे पहले तो पूरी ब्लू फैमिली मेरी तरफ से आपको हैप्पी एडवांस बर्थडे जो कि आने वाला है आपका. और मौका लगा तो हम आपको स्टोरीज तो बना के भेजेंगे भेजेंगे, आप जरा देख के रिप्लाई कर दीजिएगा सबकी जितनी भी है. थोड़ा बहुत अगर जो कर कोर्स, सकते हैं तो जरूर कीजिएगा. तो थैंक हैप्पी एडवांस बर्थडे. कुछ लोगों की यू, बर्थडे है, थैंक यू. उनके मैं नाम लेती जाती हूँ, आप प्लीज विश कर दें. ईशानी, तिया, अर्तिया, अर्चिता कुमारी, नानसी और हुमैरा रशीद. ईशानी, तिया, नानसी, उमायरा, रशीद और नैन्सी, अर्चिता कुमारी, अर्थिरिया, नैन्सी, अर्चिता कुमारी और एथ्रिया, एथेरिया, एथ्रिया. आप सबको एथ्रिया. एथ्रिया, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. बहुत सारा केक खाओ और एंजॉय करो, एंड या मेरा बहुत 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 सारा प्यार आप सबको. अच्छा, डॉक्टर प्रिया ने फर्स्ट पोजीशन ली है अपने मेडिकल में, उनको विश कर दें. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस एंड कीप अप द ग्रेट वर्क. और भी आगे अच्छा आप करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विशेस टू यू. तन्वी, निशा और दिनाल ने आपको भेजा है बहुत सारा प्यार, और इन्होंने भी हैप्पी एडवांस बर्थडे कहा था आपको. और साथ में थैंक यू सर. कुछ नाम में लेना चाहूंगी, वो आप गौर से सुन लीजिएगा. इन्होंने आपको बहुत सारा प्यार भेजा है, आपसे ये एक फैन मोमेंट चाहते हैं, तो इनके नाम सुन लीजिएगा. आरची, पूजा, इशिता, आरची, संध्या, आरची, लवनिया, पूजा, इशिता, संध्या, लवनिया, दीक्षा लवण्या, खान, दीक्षा, इमान खान, क्या, अलोकी खान, ईमान खान, हान, इमान खान, अलोखी, अलोकी, उषा जसवाल, प्रगति, वंदना अल्टे, उषा जयपाल, जेनब और केजरीस्ट फैन ऑफ दर्शन, ऋतिका, दिशा, हर्षिता, साइमा हाशमी, साक्षी अग्रवाल, अलका, इट्स प्रेरणा, अफरीन और मार्टिन है, आयशा फ्रॉम पाकिस्तान, अपर्णा, जिया, अनुष्का, प्रिया बी, नुसरत, मेघा, दिव्या और आरती, रिधि, रुति पटेल, ज्योति, डॉली, निधि, दर्शनीशन, आमरी, जाफरी, अक्सा, प्रिया, विश्नावी, प्राची, माहीन, आयशा इब्राहिम और सिब्बू अभिजीत. इन सबको मेरी मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा, एक बड़ा हग, बहुत सारा प्यार, एंड बहुत सारा प्यार.
थैंक यू सो मच दर्शन. नाम मैंने इसलिए इंक्लूड कर दी क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन रिलेटेड नहीं थे ढोल बजा से. मैंने कहा कम अज कम नाम सुनेंगे, आपके सामने उनका नाम आया तो वो खुश हो जाएंगे और हमें वो ही खुशी देनी है. ऑफ कोर्स थैंक यू वंस अगेन आपको मेरे फैंस की तरफ से भी आपको थैंक यू फॉर टेकिंग द क्वेश्चंस आई री लव इट एंड दिस आपकी रियली वजह मींस अ से लॉट मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ, तो इसलिए आप मुझे शुक्रिया ना बोले, शुक्रिया मेरा ही बनता है आपके लिए. थैंक यू सो मच दर्शन. और मुझे पता बिल्कुल है मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपके पास बहुत सारे काम है, बस आप मुझे इतना टाइम दे देते हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बस इसी तरह से हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहिए और अपना बहुत बिल्कुल ख्याल रखिए. आपके गाने इसी तरह हम चाहेंगे कि फ्यूचर में जो भी सॉन्ग आता है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बेहतरीन गाने आए आपके और बहुत ही जबरदस्त तरह से आप परफॉर्म करते रहे करते रहे, हमेशा दिलों पर राज करते रहे. बहुत सारी दुआएं. थैंक यू थैंक सो मच. थैंक्स अ लॉट. यू प्लीज टेक केयर थैंक यू. बाय बाय.